हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहा कीजिए, चैंट करते रहा कीजिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहा कीजिए। देखिए प्लीज समझिए, हम सब कोई बद्ध जीवन में है। फिर से गुरु को उस स्तर का नहीं समझना चाहिए, गुरु को उस स्तर का नहीं समझना चाहिए कि हम बद्ध जीव है, परंतु हम सब कोई बद्ध जीवन में है ना। और बद्ध जीवन में होने के कारण अंग्रेजी में कहावत भी है, ह्यूमन ह्यूमन इज टू एयर, ERR, है ना। यस, तो मानव जीवन है, अपूर्ण इंद्रियों के साथ है, एकदम सही बात। अपूर्ण इंद्रियों के साथ तो बस त्रुटियां ही होंगी, बस त्रुटियां ही होंगी। तो त्रुटि होना बहुत स्वाभाविक है, गलती हो जाना या गलती कर देना ये बहुत स्वाभाविक है। हम अपने प्रियों का, जो हमारे प्रिय होते हैं, उनका कभी अहित नहीं करना चाहते, परंतु अहित होता ही गया। क्या हम हमेशा अपने प्रियों का हित कर पाते हैं क्या? हम चाहते तो हैं उन्हें अच्छे से अच्छा दें, उनके लिए अच्छे से अच्छा करें, कर पाते हैं क्या? हम लोग क्या इस शरीर रूपी जीवन में फंसे पड़े हैं? परंतु जो शरीर रूपी संबंध जान रहे हैं, क्या उसकी सेवा कर पाते हैं क्या? जो भी है,
स्वीकारिता इसी बात की होनी चाहिए, हम सेवा तो करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। आप लोगों को बताया हूं, फिर से बोल देता हूं, एक बहुत महान संत हैं, है ना। अब प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे लिए रूल बुक वो शिला प्रपात की बुक चलती है। और देखिए डेफिनेटली शिला प्रपात रागानुगा प्रेम में बहुत सारी बातें बोलते हैं, है ना। जैसे भक्तों से प्रेम में है वो बोलते हैं सुल्ला माला जप लो, है 64 माला था सुल्ला माला, है ना, बड़ा सरल कर दिए प्रेम में, है ना। तो रागानुगा प्रेम में और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत सारा सरल मार्ग, परंतु सरल का मतलब ये नहीं है सहजिया मार्ग। सरल वो जो भगवान की कृपा प्राप्त करके, वो एक सफल मार्ग भी है परंतु सरलता से उस मार्ग पर चलने के लिए। हम मानव जीवन में तो त्रुटियां करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता त्रुटि रहित जीवन जी, परंतु हमको जीवन ऐसे जीना चाहिए कि हम त्रुटियों से सीखें और त्रुटियों को दोहराए नहीं। प्लीज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, शायद जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप त्रुटि करना छोड़ देंगे जब तक नित्य सिद्ध ना हो जाए। नित्य सिद्ध होना तो नियरली इम्पॉसिबल, वो तो फाइनल स्टेज है, ठीक। नित्य सिद्ध होना तो फाइनल स्टेज है। अब फाइनल स्टेज सबका मिल जाए ये बहुत बहुत रेयर है ना, है? सोच लेना कि फाइनल स्टेज जो हाईएस्ट स्टेज है उसी तक पहुंच गए, ये सोच लेना बहुत रेयर है ना। ये कल्पना करना या ये उम्मीद करना कि नित्य सिद्ध वाली अवस्था में पहुंच जाए बहुत रेयर है। कल जान रहे थे, कोई भक्त अगर पूर्ण प्रयास करे, गुरु की आज्ञा का पालन करे, चाहे उसमें शुद्धि नहीं है, है ना, परंतु जितनी शुद्धि है उसका पूर्ण प्रयास करे, थोड़ा सा भी कमी नहीं छोड़े और गुरु की आज्ञा का पालन करने का कोशिश करे। तो अगर पूर्ण प्रयास करेगा तो क्या होगा, वो सफल हो जाएगा। कल जान लेते, तो आज एक और महत्वपूर्ण बात उसी का एक्सटेंशन है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये बात कैसा है, कैसा कभी होगा ही नहीं, आप भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नित्य सिद्ध हो जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। नित्य सिद्ध वाली अवस्था अलग है, उस अवस्था में तो आप जो कुछ करेंगे सब सही होगा। भक्ति क्या, भक्ति तो हृदय में रहेगा। फिर कुछ लोग मायावादी लोग बोलते हैं ना कि भक्ति तो मन से की जाती है, एक्चुअली में वो सही है परंतु वो नित्य सिद्ध वाली अवस्था में होती है। भक्ति तो अंदर से होती है, हम सीना चीर के क्या दिखा दें, हम तो भगवान के भक्त हैं। ये सब सही है, ये सब झूठ नहीं, एकदम सही बात है, परंतु ये सब नित्य सिद्ध वाली अवस्था में, ये सब शुद्ध भक्त वाली अवस्था में। जब आप शुद्ध भक्त हो जाइएगा तो अंदर से अपने आप ही कृष्णा का नाम, कृष्णा का चिंतन करते रहेगा। एक बार आप लोगों को मालूम भी होगा, शिला प्रपाद ने क्या किया, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो बोलते हैं सतत कृष्णा चिंतन, हमेशा कृष्णा का चिंतन होना चाहिए, अभी तो आप मेरे से बात कर रहे हैं तो क्या कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। तो शिला प्रपाद ने उस रिपोर्टर को लिया और अपने छाती पे लगा लिया, और छाती से रिपोर्टर जब सुनता है तो हरे कृष्णा महामंत्र उसको सुनाई देता है। देखिए ये रिपोर्टेड बात नहीं है, लिखा हुआ बात नहीं है, और मेरे को सुनी सुनाई बात पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रह गया। बहुत सारी बातें हैं जो ऐसे ही होती है, परंतु ठीक है, अगर ये
तथ्यों के अनुसार ये सही भी नहीं है, परंतु अगर तथ्यों के अनुसार सही दी तो भी ये बात तो सही है ना। अब कोई इतना शुद्ध भक्त होगा तो उसके हृदय में तो हमेशा ही कृष्ण का नाम चलते रहेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो कैसा है त्रुटि करना या गलती करना? कभी ऐसा नहीं होगा कि हम गलती करना छोड़ देंगे। नित्य सिद्ध वाली अवस्था को एक बार के लिए हटा दीजिए, वो एक्सेप्शन है ना, बहुत रेयर, उस टाइम तो कुछ भी सब कुछ सही हो जाएगा, वो अलग है। अगर नित्य सिद्ध वाली अवस्था हटा दिया जाए तो हम सभी हमेशा ही गलती करेंगे। प्लीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नित्य सिद्ध वाली अवस्था हट जाए तो हम हमेशा ही बिना किसी संशय हमेशा ही गलतियां करेंगे। कोई ये सवाल पूछ सकता है कि प्रभु जी, जब गलती ही करेंगे तो भक्ति करने का क्या अर्थ है? भक्ति करके भी तो गलती कर रहे हैं ना, नित्य सिद्ध तो हुए नहीं है, वो तो हाईएस्ट लेवल। गलती तो करेंगे, प्रश्न बस इतना है कि आप घटिया गलती करेंगे या अच्छी गलती करेंगे। आप बहुत घृणित गलती करेंगे या बहुत प्रेममयी गलती करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल, विदुरानी के बारे में आप लोगों ने जानते ही होंगे, और विदुरानी के बारे में जब भी जानते होंगे तो बस एक ही पास्ट टाइम याद होगा, है ना। कृष्ण आए थे उनके पास और विदुरानी कृष्णा के प्रेम में ऐसे डूब गई कि वो केले के छिलके छील रही थी, और वो छील करके कृष्णा को केला खिला रही थी। तो हुआ ये कि विदुरानी केले के छिलकों को छीलते गई, कृष्णा से बात कर रही है, और केले को तो पटक दिया और छिलका कृष्णा को दिए जा रही है, और कृष्णा छिलका खाए जा रहे, है ना। तो अब ये जो गलती है, ये तो गलती है। अगर सपोज कीजिए आप कृष्णा को कुछ ऑफर कर रहे हैं, हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं और वो अच्छे से अच्छा नहीं है, आप क्या ऑफर कर सकते हैं क्या? आप क्या कृष्णा को अच्छे से अच्छा कुछ नहीं हो वो ऑफर कर सकते हैं? शुद्ध से शुद्ध नहीं हो वो ऑफर कर सकते हैं? थोड़ा सा भी गंदगी, थोड़ी सी भी मलिनता वो ऑफर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम लोगों को अच्छे से अच्छा कृष्णा को अर्पित करना चाहिए, है ना। कृष्णा के लिए सब बेस्ट होना चाहिए। कृष्णा के लिए बेस्ट होना चाहिए, है ना। पर क्या हम बेस्ट ऑफर कर पाते हैं? क्या कुछ हम ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि उससे अच्छा नहीं बन पाए? क्या बनाते समय हमारी चेतना हमेशा शुद्ध होती है क्या? अब ये भी गलती तो है ना, ये भी गलती है ना, कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हैं नहीं, मन हमेशा इधर उधर भटक रहा है, और प्रसाद कुक कर रहे हैं, भोग कुक कर रहे हैं, कृष्णा को अर्पित अच्छे से कर नहीं रहे, खा नहीं रहे कृष्णा, और हम सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से ऑफर हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये भी त्रुटि है। तो फर्क बस इतना सा है, आप अच्छी गलतियां करेंगे या खराब गलतियां करेंगे। अब जैसे कोई गलती करने के डर से रुक जाए, तो सपोज करें कोई फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड में बच्चा पढ़ रहा है, और वो बोले कि हम तो गलती करते रहते हैं, तो हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि हम तो गलतियां करते हैं। एक तो ये है, तो क्या हो गया, हतोत्साहित हो गया और पढ़ाई नहीं कर रहा। दूसरी स्थिति क्या है, वही लड़का है, वही बच्चा है, और गलती किए जा रहा है, परंतु पूर्ण प्रयास किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, नासा का साइंटिस्ट बन गया, अब वो फिर वहां पे भी जाकर के गलती कर दी, अच्छे से मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ,
परंतु अगली बार फिर से कोशिश किया, पास हो गया। कृष्णा अगर आपको चाहते हैं तो प्रदान कर देते हैं। तो या तो आप अपनी गलतियों से डर सकते हैं और घटिया गलती करेंगे, प्लीज नोट कर लीजिए, या तो हम अपनी गलतियों से डर जाएंगे और घटिया गलती करेंगे। घटिया मतलब चला करके मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों को याद, प्रयोग कर रहा हूँ, इस्तेमाल भी नहीं बोलना चाहिए, प्रयोग कर रहा हूँ। या तो हम घटिया गलती करेंगे और उससे डर जाएंगे और घटिया गलती करेंगे, सॉरी, या तो हम गलतियां करेंगे और उससे डर जाएंगे और घटिया गलती करेंगे, या तो उन गलतियों को स्वीकार करके, हम अपूर्ण इंद्रियों वाले, स्वीकार किया और अब क्या बेस्ट करने का फिर से कोशिश करेंगे। प्लीज समझिए, ये सब कुछ करने के बाद भी गलतियां ही करेंगे, पर वो अच्छी गलती होगी, वो हायर लेवल की गलती होगी, वो ऊंची गलती होगी। जब तक नित्य सिद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक गलती होंगी। ठीक है ना, स्वीकार कर लीजिए ना, इसमें क्या क्या दिक्कत है। अगर सपोज करें मैं बोल दूं कि डॉक्टर बोलता है ना 15 दिन लगेगा ठीक होने में, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से माइंड मेकअप कर लेते हैं, हाँ ठीक है 15 दिन तो बीमार रहेंगे, अब चलते हैं, जो बेस्ट हो जाएगा वो करेंगे। ऐसा तो है नहीं 15 दिन बीमार रहेंगे तो अब दवाई लेना बंद, कोई ऐसा करता है क्या? डॉक्टर बोला 15 दिन तक तो ठीक, दवाई लीजिए 15 दिन बाद, है ना, तो फिर क्या करते हैं 15 दिन दवाई लेते हैं और फिर बोलते हैं चलो ठीक है 15 दिन तक तो तबीयत खराब है। ठीक उसी प्रकार से अब गलतियां तो हो रही है और होगी, परंतु क्या आपको अच्छी गलती करनी है कि बुरी गलती करनी है, बस यही क्वेश्चन। गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास तो हम करेंगे। तो अगर कोई शुद्ध भक्त होता है तो अच्छा भक्त होता है, शुद्ध नहीं बोलू, अच्छा भक्त होता है, तो गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास करता है और क्या होता है, वहां जाकर के वो संघर्ष करता है। कोई भक्त नहीं होता तो बोलता है अरे तुम भी संघर्ष कर रहे हो, हम ऐसे ही संघर्ष कर लेते हैं ना, तो हमको आगे ही पालन नहीं करना, हमको नहीं चाहिए गुरु गुरु, यही दोनों ही गलत कर रहे, परंतु एक अच्छी गलती कर रहा है, एक प्रयासरत है, और प्रयासरत है तो एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, 20 बार गलती करेगा, 100 बार गलती करेगा, हो सकता है 100 जन्म गलती करे, परंतु वो शुद्ध होने के मार्ग पे अभी भी चल रहा है। जो प्रयास करेगा वो सफल होगा और जो प्रयास ही नहीं करेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो गलतियां कीजिए, जिसको जो गलती करनी है कीजिए, परंतु उन गलतियों से सीखिए और अब ऊंची गलतियां कीजिए, वापस से वही गटर में मत फंसे रहिए, वही गंदगियों में मत फंसे रहिए, जो गंदगियों में पहले फंसे हुए थे उसी गंदगी में आज भी फंसे हुए, तो क्या लाभ है, तो क्या लाभ है ऐसा जीवन का, क्या लाभ है? पहले भी हम गलतियां कर रहे थे, पहले भी हम वही गलतियां करके फंसे हुए थे, आज भी हम वही गलतियां करके फंस रहे हैं। 6 महीना पहले भी हम भक्ति में वहीं पे फंसे हुए थे, आज भी वहीं पे फंसे हुए, ये क्या लाभ है, ये क्या लाभ है? हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होता अचानक से सब कुछ शुद्ध हो जाता है, नहीं होता, समय लगता है, परंतु आप वही स्थिति में मत रहिए, अब ऊंची गलतियां कीजिए, अब ऊंचे स्टेज की गलतियां कीजिए, फिर और ऊंचे स्टेज की गलतियां कीजिए। जैसे अगर सपोज कीजिए आप 5th ग्रेड में, वही आप आज भी 5th ग्रेड में हैं और 3 साल बाद आए फिर भी आप 5th ग्रेड में ही मेरे को दिखाई दे रहा है, ऐसा जीवन कोई जीना चाहेगा क्या? 100% मार्क्स तो नहीं आ रहा ना किसी का, कोई आप में से कोई ऐसा है जिसका 100% मार्क्स आया है? नहीं है ना, बहुत रेयरली नहीं आता, ऑलमोस्ट नहीं आता। तो क्या है कि हम पूर्ण शुद्ध तो काम नहीं कर रहे, पूर्ण शुद्ध तो काम नहीं कर रहे, तो ऊपर वाले स्टेज पे क्यों जा रहे हैं, ऊपर वाले स्टेज पे जाकर तो गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं स्वीकारते कि भक्ति में गलती कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब ऊपर वाली स्टेज पे जाकर के और शुद्ध होकर के अब गलतियां करेंगे, नीचे वाले अवस्था में क्यों गलतियां कर रहे हैं,
और शुद्ध और अच्छा कार्य कीजिए, और अच्छा कार्य कीजिए, कीजिए गलतियां कोई बात नहीं, परंतु ऊंची गलतियां कीजिए, ऊंची गलतियां कीजिए, ऊंची त्रुटियां कीजिए। देखिए गुरु का कार्य है चेस्टाइज करना, तो गुरु आपको ऊंची गलतियों के लिए भी डांटेंगे। जब आप ऊंची गलतियां कर रहे हैं तब भी डांटी पड़ेगा, परंतु ये कृष्णा से प्रेम प्रेममय संबंध जागृत करने का स्तर के नजदीक रहेगा, स्तर के बगल में रहेगा। कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने का स्तर से बहुत निकट रहेगा, है ना। एक बहुत अच्छा श्लोक है, श्रील प्रभुपाद बहुत बार रिपीट करते हैं और मैं बहुत तो रिपीट नहीं करता, परंतु लिखा हुआ है मेरे पास। चैतन्य चैतामृत का एक श्लोक है, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 23.14 और 15। मैं देखूं क्या अगर खुला हुआ हो तो। मैं देखता हूँ, निकल जाएगा। चलिए, तो ये श्लोक है ना बहुत अमेजिंग है, ठीक है। ऑल्दो ये श्लोक हम लोग बहुत बड़ा सा श्लोक है, डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं एकदम सिंपल कर दूंगा। और चलिए एक काम करता हूँ, पहले एक श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर एकदम सरल तरीका। पहले मुश्किल बताते हैं, बहुत ही मुश्किल लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुश्किल लगने दीजिए, फिर एकदम सिंपल बताएंगे, एकदम सिंपल, है ना। वहां पे बस 10 शब्द याद कर लीजिए, और याद भी क्या करना है, अपने आप समझ लीजिए, ओके। बहुत ही सरल, ठीक है, अंग्रेजी है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और ये डरिएगा नहीं, ये ऑथराइज से भी चेक किया हुआ सेम है ना, ओके। हम लोग ये वेबसाइट अब नहीं देखते ना, परंतु ऑथराइज में भी यही है, ठीक है, मैंने चेक किया हुआ, ओके। सो यहाँ पे श्लोक क्या है, श्लोक को भी याद रखिए, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट कोई बात नहीं। अदौ श्रद्धा, सो कोई बात नहीं, श्रील प्रभुपाद ये श्लोक है ना, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जब श्रील प्रभुपाद के शब्द सुन रहे होंगे बहुत बार ये सुना होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ सिंपल करें, इसको भी कुछ सिंपल करें, तो सिंपल आप लोगों के लिए बना हुआ है, मैं भेज दूंगा। अदौ श्रद्धा, सो क्या है, अदौ का मतलब होता है शुरुआत में, ओके, शुरुआत में क्या है, श्रद्धा, ओके। उसके बाद क्या है, तथा साधु संग, पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा किसमें होना चाहिए, श्रद्धा कृष्णा में होना चाहिए, भौतिकता में डिसइंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा देखना, श्रद्धा किसमें होना चाहिए, श्रद्धा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में होना चाहिए, कृष्णा में होना चाहिए, और भौतिकता में अश्रद्धा होना चाहिए, ओके। सबसे पहले क्या होना चाहिए, श्रद्धा आध्यात्मिकता में या कृष्णा में। उसके बाद क्या है, तथा साधु संगो, सेकेंड स्टेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा होकर के क्या होता है, साधु संग। साधु संग का मतलब क्या है, एसोसिएशन विथ प्योर डिवोटीज, नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है, शुद्ध भक्तों का संग, ओके। तथा भजन क्रिया, ओके, ये अथा लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों से अथा ही है ना, अथा भजन क्रिया। सो थर्ड स्टेज, सबसे पहले श्रद्धा, दूसरा स्टेज, और मैं बोल रहा हूं बहुत सिंपल कर दूंगा, पहले आप समझिए, आपको बस ये समझना है श्रद्धा का मतलब क्या है, साधु संघ का मतलब क्या है, पहले बस इतना समझिए, उसके बाद देखिएगा बहुत ही सिंपल करें। सबसे पहले क्या है, श्रद्धा, उसके बाद क्या है, साधु संघ, उसके बाद क्या है, भजन क्रिया। भजन क्रिया का अर्थ क्या है, डिवोशनल सर्विस करना है, मतलब क्या,
डिवोशनल सर्विस को क्या बोल रहे हैं, भक्ति में सेवा करनी है कृष्णा की। कैसे? आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित हो करके। और जब आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो भक्तों का संग भी होता है ना, और इनिशिएशन भी होता है। इनिशिएशन का अर्थ वापस से आप सोच के देखिए, भजन क्रिया कोई करने जा रहा है, भजन क्रिया कैसे होगा? आप कृष्णा के प्रति आध्यात्मिक प्रेम जागृत कर रहे हैं तो अपने आप इनिशिएशन हो रहा है। आप इस श्लोक को पढ़िए। अगर देखिए, अगर कृष्णा के प्रति आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो अपने आप क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है, और इनिशिएशन होगा तब जाकर के कृष्णा के प्रति आध्यात्मिक प्रेममयी सेवा कर सकते हैं। सो इधर से भी पकड़ा जा सकता है, उधर से भी पकड़ा जा सकता है। सो इनिशिएशन का अर्थ क्या है, कृष्णा के प्रति आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त कर लेना। कैसे? गुरु के आदेश पे। हमेशा ये गुरु के आदेश पे ही होता है। गुरु के आदेश के बिना ये आध्यात्मिक प्रेम नहीं होता। ये क्या होता है, प्रेममय स्तर पहले से था, बस वही स्तर रहता, कोई इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको शुद्धता का मापदंड पता ही नहीं चलेगा। समझिए, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, गलतियां करेंगे, सुन रहे थे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा गलती हो रही है। गुरु के बिना आपको पता चलता है गलतियां हो रही है? हम स्वीकारते हैं? कभी नहीं स्वीकारते। अरे ऐसे ही शरीर है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही करते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक कार्य होता कैसे है, गुरु के। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इनफैक्ट इनिशिएशन भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, जब गुरु के आदेश पे कार्य होता है तो क्या होता है, तथा अनर्थ निवृत्ति। अब अनर्थ निवृत्ति तो आप लोगों को पता है क्या है, अनर्थ खत्म होना, बुरी आदतें, बुरी चीजें खत्म होना। उसके बाद क्या होता है, वो स्यात लिखा हुआ, स्यात का मतलब होता है तथा। उसके बाद क्या है, उसके बाद निष्ठा। ये देखिए यहाँ पे श्लोक में, देखिए यहाँ पे निष्ठा है ना, यहाँ पे निष्ठा, ओ सॉरी, यहाँ पे निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा मतलब श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। फिर क्या होता है, रुचि, स्वाद आता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाव आता है ना, इमोशन और अफेक्शन। और अब जाकर के जब सब कुछ हो जाता है तब क्या आता है, प्रेम आता है, भगवान के लिए प्रेम। ओके, तो एक बार ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं, इनफैक्ट इसको एक बार हिंदी में डाल देते हैं, इतना ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। करने के लिए तो कर ही देंगे, बट जब टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा उपयोग कर लेना बुरा नहीं है। चलिए, एक बार कोई जल्दी से रीड कीजिए, जल्दी से रीड करें, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आरंभ में श्रद्धा होनी चाहिए, फिर व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति में रुचि लेता है, तत्पश्चात व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षित होता है और उनके आदेशानुसार विधि विधानों का पालन करता है। इस प्रकार व्यक्ति सभी अवांछित आदतों से मुक्त हो जाता है और भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। तत्पश्चात व्यक्ति में रुचि और आसक्ति विकसित होती है। यह साधना भक्ति का मार्ग है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति का पालन करना, धीरे धीरे भावनाएं तीव्र होती जाती हैं और अंत में प्रेम की जागृति होती है। यह कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले भक्त के प्रति भगवान के प्रेम का क्रमिक विकास है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप लोगों को एकदम सरल रूप से दे दिए है ना, ग्रुप चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, क्या है, श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग,
श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? श्रद्धा किसके प्रति? कृष्णा के प्रति, शास्त्रों के प्रति। अब कोई गुरु आया है और आपको श्रद्धा ही नहीं है कि गुरु सही बोलेगा, तो आपको चाहे वो कितना भी अच्छा बोल ले कोई लाभ नहीं होगा, है ना? एक्चुअली में अब थोड़ी सी अश्रद्धा बाकी लोगों पे हो चुकी है, श्रील प्रभुपाद पे श्रद्धा बहुत दृढ़ होती जा रही है, दिन पर दिन श्रील प्रभुपाद पे श्रद्धा और दृढ़ होती जा रही है। तो श्रील प्रभुपाद की बातें एकदम अच्छे से लगता है कि ये सारी बातें सही है। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद क्या? साधु संग। देखिए चैट देखिए, आप लोग देखिए, बड़ा सरल एकदम सिंपल, श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया याद रखिएगा, गुरु के आज्ञा अनुसार भजन क्रिया, गुरु जैसा जैसा बताएं वैसा वैसा आध्यात्मिक कार्य करें। तो आप लोग भी देखते होंगे, जैसे ही जैसे आदेश मिलता है क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होती है, सारी अनर्थों से दूर जाते हैं, बुराइयों से दूर जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है। और फिर क्या आता है? फिर निष्ठा आता है, कृष्णा के प्रति दृढ़ विश्वास, फिर इससे रुचि आती है, है ना? इससे रुचि आती है। उसके बाद इससे क्या आता है? आसक्ति आती है ना, कृष्णा के प्रति आसक्ति। और ये सब के बाद कृष्णा से प्रेम आता है, प्लीज समझिए, ये सब के बाद कृष्णा से प्रेम आता है। कोई बोले ना हमको कृष्णा से प्रेम है, तो पूछिए कि आपको ये साला लेवल क्रॉस कर दिया ना, श्रद्धा तो है, साधु संग कर ही रहे, भजन क्रिया हो ही रही है, अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, निष्ठा आपको है, रुचि हो चुकी है, आसक्ति आ चुकी है, भाव आ गया है, और अब आप प्रेम मई सेवा कर रहे हैं, है ना? ये मैं नहीं बोल रहा, चैतन्य चैतन्यमृत बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा, श्रील प्रभुपाद बोल रहा, ठीक है? सो यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। ऐसे नहीं होता कि हमारा तो कृष्णा से प्रेम है, हमारा तो कृष्णा से डायरेक्ट संबंध है, ये नहीं होता, ये नहीं है ना। और मैं देखता हूं लोग है ना विग्रह सेवा करने लग जाते हैं ना, तो सारा प्रोसेस छोड़ देता है, सारा प्रोसेस छोड़ देता है, हैं? साधु संग करना नहीं है, भजन क्रिया करनी नहीं, अनर्थ निवृत्ति, जितना अनर्थ है हम उसी के साथ हम भक्ति कर रहे हैं, है ना? निष्ठा है नहीं हमको कृष्णा के प्रति, रुचि है नहीं नाम में, हैं? आसक्ति आपको कृष्णा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, आज कर रहे हैं पूजा कल नहीं करेंगे, बोलिए क्या कीजिएगा, है ना? भाव आया नहीं है कृष्णा के लिए, कभी हृदय से नहीं रोए हैं, इसलिए रोए हैं क्योंकि पीड़ा हो रही है, इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमको पीड़ा हो रही है। तो ये क्या है? ये प्रेम है क्या? ये भाव आए कि कृष्णा आप इतना दूर है हमसे, है? जैसे चैतन्य शिक्षाष्टकम में, जैसे शिक्षाष्टकम में सुबह सुनते हैं, हैं, कंठ गीला हो जाए, आंखों से आंसू प्रवाहित होते रहे, हैं? वो तो हुआ नहीं है ना, भाव आया नहीं, अब प्रेम है भगवान से, प्रेम है, हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्णा है, ये नहीं होता, यस। तो प्रभु जी प्रेम से प्रसाद ऑफर करना कृष्णा को बहुत मुश्किल है क्या? क्योंकि प्रेम तो लास्ट स्टेप, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कृष्णा तो साफ साफ बोलते हैं, हैं? प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, अब प्रेम तो है ही नहीं हृदय में, कृष्णा को अर्पित कर रहा हूं सोच रहा हूं हमको कब मिलेगा, पेट में भूख लग रही है, हैं? हम कृष्णा को खिलाना चाहते हैं क्या, हैं? हम सोच रहे हैं इतना कुछ ऑफर किया सब मेरे को मिलेगा ना, अब मेरा होगा ना, हैं? तो हम क्या सोच रहे हैं? हम तो अपना सोच रहे हैं, सच में प्रेम है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना प्रेम है, भगवान से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, ये सब इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कल्पना किए हुए हैं, कोई प्रेम प्रेम नहीं चल रहा है, ये सब ड्रामाबाजी है, ठीक है? तो ये है असलियत, है ना? इसीलिए आप लोगों को एकदम सरल रूप से दे दिया, कृपया करके एक बार और, आप लोगों को मीनिंग चाहिए, एक काम करता हूँ,
मैं मीनिंग भी शेयर कर दे रहा हूँ, बट मेरा रिक्वेस्ट ये है मीनिंग को पढ़िए, ठीक है। मैं इंग्लिश वाला ही शेयर कर रहा हूँ ना, किसी को हिंदी देखना हो तो या तो मेरे को बोल दीजिएगा, मैं हिंदी निकाल के दे दूंगा। ग्रुप पे मैं मीनिंग वाला शेयर कर दे रहा हूँ, कर दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, पहला तो सिनोनिम से पढ़िएगा, ठीक है, एक एक शब्द का मतलब समझिएगा, है ना। कहीं पे फंस गए, जैसे ऊपर लिखा होगा ना, सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, फिर प्रेम, ओके। तो कहीं पे फंसिए तो सबसे पहले मीनिंग पढ़िए, ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिए कि वापस से ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो क्रक्स में लिखा हुआ है, ये ही समझ में आए, ठीक है। अगर आपको श्लोक याद करने की इच्छा हो, श्रील प्रभुपाद, मैं बार बार बता रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद बहुत बार रिपीट करते हैं ये श्लोक, ठीक है। आप उनके लेक्चर्स में सुनिएगा, बहुत बार रिपीट करते हैं, है ना। अगर मैं सर्च करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि बहुत बार बोलते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ये सारी बातें बताते हैं तो हमको भी याद रखना चाहिए, तो याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आज ही हम लोग चैतन्य चैतामृत में देख रहे थे कि मायावादी लोग चाहते हैं ना, मायावादी लोग सोचते हैं जो संस्कृत में पटु हो, है? संस्कृत भाषा में पटु हो वो अच्छा भक्त होता है ना। सॉरी, टेंपल वाले लोग हैं ना, बहुत लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि श्लोक रिसाइटेशन तो होना ही चाहिए, परंतु श्रील प्रभुपाद उन रिसाइटर्स के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं बोलते। ठीक है, लोगों को जैसे अच्छा लगेगा हम उस तरीके से बताने का कोशिश करें। अभी सपोज कीजिए मैं श्लोक दिखा दिया तो आप लोगों को श्रद्धा है ना। अगर श्लोक ही नहीं दिखाया, पहला स्टेप ही गायब हो जाएगा। श्लोक नहीं दिखाया तो पहला स्टेप ही गायब हो जाएगा, श्रद्धा ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो ये कीजिए, ऑल्दो मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस श्लोक के बारे में बात भी करूंगा। देखिए, मेरे पास जो भी होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ लुटा दूं, सब कुछ दे दूं, सब कुछ आप तक पहुंचा दें, है ना। जो है सब ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने कुछ भी किया है वो ले लीजिए, रखिए ना। मैंने कुछ भी समझा है, कुछ भी जाना है, कुछ भी देखा है, जो श्रील प्रभुपाद की बातें देख रहे हैं, जो कृष्णा बता रहे हैं, जो राधा रानी महारानी बता रही है, और श्रील प्रभुपाद कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जैसे आज सुबह ही पता नहीं क्या हुआ कि मैं कुछ कुछ सर्च कर रहा था, और जैसे ही सर्च कर रहा था वही चीज आज चैतन्य चैतामृत में थी, वो मेरे स्क्रीन पे था। मैंने चैतन्य चैतामृत वाला वीडियो जो देखना चाहे वो देख सकते हैं, स्क्रीन पे था। मैंने बस स्क्रीन चेंज किया और मैंने दिखाया कि देखिए दूसरे स्क्रीन पे लगा हुआ। ये है तो श्रील प्रभुपाद कृपा करते रहते हैं, आप कृपा लूटते रहिए, हम भी लुटाते रहेंगे, लीजिए लूटिए, है ना। जो जो कृपा कर रहे हैं लूटते जाइए, लूटते जाइए। तो उसी लिए आप देख रहे होंगे कि क्लास में अलग श्लोक है, अलग बातें हैं, और मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर श्रील प्रभुपाद कृपा कर रहे हैं ना, आप लीजिए, ये पहले ले लीजिए, इसके बारे में पहले बता रहे हैं, लीजिए ये लीजिए, ठीक है। तो प्लीज समझिए ये स्टेप है, और हम लोग ये सोच लें कि हमको भगवान से प्रेम है तो ये एकदम गलत बात है। ये साफ साफ श्रील प्रभुपाद ने बोला हुआ है, चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ, मतलब चैतन्य महाप्रभु के शब्द। अब चैतन्य चैतामृत चैतन्य महाप्रभु के शब्द नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त के शब्द है। अब चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त का शब्द मतलब चैतन्य महाप्रभु का शब्द, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु के शब्द। तो चैतन्य महाप्रभु के शब्द में तो अभी कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस है, और कोई सोच ले कि हम प्रेम में डूबे हुए हैं, भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, तो भगवान के प्रति आसक्ति है नहीं, भाव है नहीं, प्रेम आया हुआ है, निष्ठा रुचि है नहीं, प्रेम आया हुआ है, अनर्थों को हम छोड़े नहीं है, प्रेम आ गया है ना, गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करते, भजन क्रिया करते नहीं है, प्रेम आ गया। कल्पना बहुत अच्छा है, ये ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सपना देखिए, है ना, उसी में डूबे रहिए, है ना, करते रहिए। मेंटल स्पेकुलेशन एंडलेस होता है ना।
या तो सत्य को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मेंटल स्पेकुलेशन करना तो कीजिए कीजिए और कीजिए, कम कर रहे हैं भी और कीजिए। कृपया करके सुधर जाइए, आज्ञा अनुसार चल लीजिए, यही शास्त्र कहते हैं। और शुद्धता से जब जीवन जिएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, मैं वही बता रहा था। देखिए सपोज करें, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जो क्लास में बता रहे थे मैं एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। गलतियां तो होंगी, अब श्रद्धा के स्तर पे गलती हो कि साधु संघ के स्तर पे गलती हो, अब साधु संघ के स्तर पे गलती हो कि भजन क्रिया के स्तर पे गलती हो, गलतियां तो होंगी। भजन क्रिया के स्तर पे गलती हो कि अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे गलती हो, गलतियां तो होंगी। आपको कौन सी गलती में रुक जाना है? रुकना है, ऊपर उठना है, अनर्थ निवृत्ति से भी ऊपर उठना है। ओके, अनर्थ निवृत्ति पे गलती होगी कि निष्ठा पे गलती होगी? गलती तो होगी, गलती तो होगी। निष्ठा पे गलती होगी कि रुचि पे गलती होगी? गलतियां तो होंगी, ऐसा नहीं होगा गलती नहीं होगी। रुचि पे गलती होगी कि आसक्ति पे गलती होगी? गलती तो होगी। अब आसक्ति पे गलती होगी कि भाव पे गलती होगी? आप ऊंचे जाते जा रहे हैं, आसक्ति पे गलती हो रही है या भाव पे गलती हो रही है? आप और ऊंचा उठने का कोशिश कर रहे हैं तो ऊंचे स्तर पे गलती होगी, नीचे वाले स्तर पे ही दबे कुचले मर जाने चाहते हैं तो आसक्ति पे गलती होकर के खत्म हो जाइए। ओके, भाव पे गलती हो रही है। ओके, अब प्रश्न ये उठता है, अब फाइनल दो प्रश्न और बचते हैं। पहला प्रश्न अब ये है, भाव पे गलती होगी कि प्रेम पे गलती होगी? अभी भी गलती होगी, अभी भी गलती होगी। भाव पे गलती होगी कि प्रेम पे गलती होगी? अब प्रेम पे गलती हो रही है, हम अच्छे से कृष्णा से प्रेम नहीं कर पा रहे, अब स्तर ये है। परंतु हम शुद्ध प्रयास कर रहे हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो भी पीछे प्रोसेस है पूरा पालन कर रहे हैं, आगे भी पूरा पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। अब रागानुगा प्रेम आएगा, अब रागानुगा प्रेम आएगा। पहले प्रेम के स्तर पे भी गलतियां होंगी, परंतु जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए अब रागानुगा प्रेम आएगा, अब नित्य सिद्ध वाली अवस्था आएगी, और अब आप जो कुछ करेंगे अब कुछ गलती नहीं होगी। एंड ऑफ ऑल मिस्टेक्स, अब गलतियां नहीं, अब गलतियां नहीं। तो जो मानव जीवन मिलकर के अपूर्ण इंद्रियों के कारण है, गलतियां होती है, अब गलतियां नहीं, अब कोई गलती नहीं हो सकती है ना। भगवान से प्रेममयी सेवा में आप संबंध स्थापित कर लिया, अब कोई गलती नहीं ना? कितनी अमेजिंग बात है ना। स्टार्ट कहां से किए, ये श्लोक आ गया, लिखा हुआ था आपको बताया, और ये परम स्तर है, इससे ऊपर का स्तर नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल है। और ये सारी बात बताने से पहले बताया था शायद जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बताइए ना, प्रेममयी सेवा में डूब गया, इससे ऊपर का स्तर क्या है? गलतियां होना बंद हो गया, इससे ऊपर क्या है? अपूर्ण इंद्रियां पूर्ण इंद्रियां बन गई, इससे ऊपर क्या है? शुद्ध प्रेम भगवान से जागृत कर लिया, इससे ऊपर क्या है? कष्टों से निवृत्त हो गए, उससे ऊपर और क्या है? इससे ऊपर और क्या है? इससे ऊपर और कुछ नहीं, हाईएस्ट हो गया, इससे ऊपर और कुछ नहीं, इससे ऊपर का कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इससे ऊपर की कोई अवस्था नहीं। आप भगवान से प्रेममयी संबंध पुनर्स्थापित कर लिए, इससे ऊपर और क्या है? कुछ भी नहीं, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है ना। बहुत ही स्पेशल है, बहुत बहुत स्पेशल। हरे कृष्णा। चलिए एक श्लोक लेते हैं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, हाँ, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। शायद शायद अब कुछ बचा नहीं है, कुछ इसके बाद कुछ बचा नहीं है बोलने को, कुछ भी बचा नहीं है बोलने को। मैं एक्चुअली मैं निशब्द हूं,
निशब्द, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसके ऊपर और क्या बोलूं मैं, मतलब ठीक है यहां तक तो पहुंच गए, अब क्या बोले, सच में इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बोलने को भी नहीं रहा। भगवान से प्रेममय संबंध स्थापित कर लिया, प्रेम में डूबे हूं मैं, अब और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसे कल पढ़ रहे थे वैकुंठा, है ना, बिना कुंठा के। तो अब आपने तो वो जीवन का स्तर भी प्राप्त कर लिया, बिना कुंठा के भगवत प्रेम जागृत हो गया, तो इससे ऊपर और क्या, इससे ऊपर कुछ नहीं बचा। तो मैं बोल रहा था कि जो जो भगवान मुझको देते जाते मैं लुटाने का कोशिश करते जाता हूँ, देखिए इससे ऊपर का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ले लीजिए सब, सब ले लीजिए। परंतु मेरा रिक्वेस्ट यही है, आज्ञा अनुसार चल लीजिए, ठीक है, आप ले लीजिए सब कुछ, आप अपना, आपका सब कुछ आपका, परंतु फिर आज्ञा अनुसार चल लीजिए। उसके बाद फिर मन बुद्धि अहंकार मत लगाइए, उसके बाद फिर डिविएशन नहीं, कल्पना नहीं, आगे ठीक है। आई होप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आया, बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, बहुत बहुत स्पेशल था, है? और आज के वीडियो का टाइटल मैं बताऊं, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, आप गलतियां करना छोड़ देंगे, आप गलतियां करना छोड़ देंगे, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। परंतु मैं देखता हूं आप लोग ना समरी में कुछ कुछ बातें लिखना कम कर दिए, क्यों लिखना कम कर दिए, बहुत सारे डिवोटीज नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, अरे जो समझ में आता लिखा कीजिए, जो समझ में आता पूछा कीजिए, जितना आप बोलेंगे, जितना आप सोचेंगे, जितना आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आप समझिए, आपको अगर मैं कृष्णा का प्रेम भी दे दूं, कृष्णा का प्रेम में स्तर पूरा हाईएस्ट लेवल दे दिया, जब तक उसको आप आस्वादन नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, और टेस्ट कैसे किया जाता है, उसके बारे में सोच करके, अभी कल परसों क्या बता रहे थे, एकादशी वाली क्लास कल ही थी ना, क्या बता रहे थे कि रात को जब सोए तो उसके बारे में सोचते रहे, कब तक, अगले दिन सुबह तक, और जब तक कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे, कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे, तो आपको जो भी दिया ना उसका बहुत लाभ होगा नहीं। आप जब उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसी लिए लिखा कीजिए। अश्लीषा माता जी इतनी बड़ी सेवा करती है कि समरी लिखती है कि आप लोग पढ़ा कीजिए, पढ़ा कीजिए, क्लास में आए हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर से पढ़िए, और पूछिए, कोई कुछ कुछ बात नहीं समझ में आती, पूछिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार पूछिए, परंतु इस बात को समझिए, इन सबसे ऊपर कुछ नहीं है। हम लोग जो जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, वो वाला स्तर, तो कृपया करके सबको लिखा कीजिए, सबको समझा कीजिए, सबको पूछा कीजिए, बोला कीजिए, बोला कीजिए। चलिए एक श्लोक ले लेते हैं, 5 मिनट रुक जाइएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, कल जो जान रहे थे वैसा ही है, और इसका जो भेद था मैंने कल ही खोल दिया था, तो उसमें भी कुछ नहीं बचा। एक काम करते हैं, अश्लीषा माता जी आप ही रीड कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद, अन्य लोगों ने भी किम पुरुष लोक के नाम से जाने जाने वाले ग्रहों के वासियों ने भी मय दानों को बछड़ा बना दिया, और उन्होंने रहस्यमय शक्तियां दू ली जिनसे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि किमपुरुष लोक के वासी अनेक आश्चर्यजनक योगिक प्रदर्शन कर सकते हैं, अर्थात जितनी भी आश्चर्यजनक वस्तुओं की कल्पना की जा सकती है
उन्हें वे प्रदर्शित कर सकते हैं। इस लोक के वासी जो चाहे या जो भी कल्पना कर सके उसे कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां भी रहस्यमय शक्तियां है। ऐसी रहस्यमय शक्ति की प्राप्ति ईशिता कहलाती है। असुर ऐसी शक्ति सामान्यतः योगाभ्यास से प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में विशद वर्णन है कि श्री कृष्ण के समक्ष असुर गण किन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ बकासुर एक विशाल बगुले के रूप में श्री कृष्ण तथा गोपों के समक्ष प्रकट हुआ था। इस लोक में रहते हुए भगवान कृष्ण को अनेक असुरों से लड़ना पड़ा जो किमपुरुष की मायावी शक्तियां प्रदर्शित कर सकते थे। यद्यपि किमपुरुष लोक के वासियों को ऐसी शक्तियां स्वभावतः प्राप्त है, किंतु इस लोक में विभिन्न यौगिक अभ्यासों से ये शक्तियां प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। तो हमको बहुत कुछ इसमें नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि किमपुरुष एक लोक है जहाँ पे कुछ भी कोई मांगे तो प्राप्त हो जाता है, कुछ भी जो कल्पना करे तो वो प्राप्त हो जाता है ना, जो इमेजिन कर सकता है वो मिल जाता है। ठीक है, तो हमको ऐसा लोक नहीं चाहिए, ऐसा लोक भी नहीं चाहिए। प्लीज समझिए, देखिए क्या होगा अगर कोई आपको ऐसे लोक में भेज दे। हम लोगों को अभी सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, अब हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, जो कल्पना करेंगे वो मिल जाएगा, परंतु भक्तों को अगर ऐसे लोक में भेज दिया जाए ना, धिक्कार करेंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्वतंत्र इच्छा मिल जाती है, जैसे ही किसी को भी स्वतंत्र इच्छा मिल जाती है, तो वो क्या करता है, गलत की कामना करने लगता है। शुरुआत में नहीं, धीरे 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 गलत की कामना करना, क्योंकि ये माया का रूप है ना। आप क्या चाहिएगा, धन चाहिएगा, बल चाहिए, ज्ञान चाहिएगा, आनंद चाहिएगा, इंद्र सुख है, क्या चाहिएगा, यही सब चाहिएगा, यही सब इस लोक में चाहते हैं, इसी से आनंद सोचते हैं, सुख है। तो ये सब मिल करके क्या होता है, ये सब मिल करके क्या होता है। तमन्ना माता जी, मुस्कान माता जी, आज की क्लास आपने मिस की तो बहुत कुछ मिस किया, तो कृपया करके वीडियो देख लीजिएगा जो भी आज मिस किया, बहुत ही स्पेशल क्लास है आज की क्लास, सच में रिपीट मोड पे देखना चाहिए जो भी। क्या सपोज कीजिए, आपको अगर मौका मिल जाए इस प्रकार से किम पुरुष लोक में जाने का, या किम पुरुष की शक्तियां मिल जाने का, ठीक है जो भी, तो उससे क्या कीजिएगा आप, यही तो चाहिएगा, धन अधिक से अधिक, बल अधिक से अधिक, सुंदरता अधिक से अधिक, ज्ञान अधिक से अधिक, उससे क्या होगा, राक्षस अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, हम बड़े से बड़ा राक्षस बन जाएंगे। प्लीज समझिए, जब तक हम वो चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जब तक हम वो चाहेंगे जो हमको अच्छा लगता, तो हम निश्चित रूप से असुर बनने के सीढ़ी, असुर बनने की सीढ़ियां चल रहे। परंतु जब हम वो चाहेंगे जो कृष्णा को अच्छा लगता है, तो हम निश्चित रूप से प्रेम की सीढ़ियां चल रहे, शुद्धता की सीढ़ियां चल रहे। तो एक तरफ तो कृष्णा जो चाहेंगे वो चढ़ेंगे, तो प्रेम में ही, प्रेम वाली सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। एक तरफ हम जो चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी से कृष्णा सेवा करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कृष्णा की सेवा करना, नहीं तो आप निश्चित रूप से आप ये जो चाह रहे हैं ना, गाड़ी चाह रहे हैं ना, इससे आप असुर बनेंगे। आप घर बनाना चाह रहे हैं, घर बना करके कृष्णा की महिमा गाना चाह रहे हैं क्या, नहीं तो आप निश्चित रूप से असुर बनेंगे। घर बनाइए, आप असुर बनिएगा। आपको ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान प्राप्त करके क्या आप कृष्णा का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। देखिए बहुत बार ये सारी चीजें है ना, अननोन होती है, ठीक है, शुरुआती तौर पे हमको नहीं पता होता कि हम ज्ञान प्राप्त करके अंतिम में कृष्णा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हम शुरुआत में टैग नहीं कर सकते, परंतु हम उस रास्ते चल रहे हैं, हम गलत रास्ते चल रहे हैं।
अब कभी हरि गुरु वैष्णव की कृपा हो जाए, शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाए, कुछ कृपा हो जाए कि हमको उस रास्ते से उठा करके दूसरे रास्ते ले जाए, वो अलग बात है। जैसे वो क्या कौन सा था, नारद मुनि, मृगारी, तो मृगारी तो असुर बनने के रास्ते था, असुर था ही, एक पल में नारद मुनि आए और उसको शुद्ध भक्त बना दिए। ठीक है, तो पता नहीं है कि शुद्ध भक्त आ जाए तो हमको बदल दें, परंतु हम तो असुर बनने के रास्ते चल रहे हैं। अगर हम गुरु की बातें नहीं मान रहे हैं, अगर हम शास्त्र की बातें नहीं मान रहे हैं, और जैसा आज जान रहे हैं, अगर हम वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं, अगर हम वो पाना चाह रहे हैं जो हमको अच्छा लगता है, और इस डिसीजन में कृष्णा नहीं है, या फिर और शुद्ध कर देते हैं, हाँ ये एकदम सही है, अगर हम स्वतंत्रता से वो पाना चाहते हैं, अगर हम स्वतंत्रता से वो पाते हैं जो पाना चाहते हैं, हाँ एकदम सही, अगर हम स्वतंत्रता से वो पाते हैं जो पाना चाहते हैं तो हम असुर बन रहे, परंतु अगर हम वो पाते हैं जो कृष्णा चाहते हैं तो हम शुद्ध बन रहे हैं, हम प्रेममयी रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या आप वो काम करना चाहते हैं, कुछ कोई भी कुछ करना चाहता है, आपको क्या अच्छा लगता है, हैं? घूमना, अच्छा घूमना अच्छा लगता है, उससे कृष्णा की सेवा करेंगे नहीं, आप असुर बनेंगे, असुर, डीमन। हाँ अब देखिए क्या होता है, असुर के हम 10 कदम चले, भक्ति का 100 कदम चले तो ठीक है, हाँ भक्ति का कदम ज्यादा है, परंतु फिर भी आसुरी प्रवृत्ति भी है, है ना, तो ये सारी आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है छोड़ना पड़ेगा। यस, हरे कृष्णा। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई, ये लास्ट में भी जो बात हुई थी इंपॉर्टेंट थी, आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, 5 मिनट का एक्सटेंशन माना था, 5 ही मिनट लिया। देखिए मैं बहुत ही सीधा, मैं बहुत ही सरल व्यक्ति, है ना, आप लोग बदमाश है, बातूनी तो आप लोग है, मैं नहीं, मैं तो बोलता हूँ जितना, इससे सीधा क्या होगा, 5 मिनट का एक्सटेंशन मांगी, 5 मिनट में कंप्लीट कर, इससे इजी कोई इससे अच्छा कोई करेगा, हैं? आप लोग बहुत बदमाश है, मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ, बोलता नहीं। यस, कोई वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहता है, अरे देखिए कैमरा ऑन करके हैंड रेज नहीं करना है, कैमरा ऑफ ही रखिए, परंतु यहाँ पे हैंड रेज करना होता है, एक हैंड रेज का फीचर रहता है। हाँ देखिए आश्लीषा माता जी को दिखाई दिया अभी, बाकी लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ पे हैंड रेज का फीचर होता है। हाँ देखिए प्रज्ञा माता जी को भी दिखा, और बाकी लोगों को किस किस को दिख रहा है, क्लिक कीजिए तभी तो जानेंगे। हाँ ज्ञानेश्वरी माता जी को भी दिखा, अच्छा ज्ञानेश्वरी माता जी आप करें वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण गुरुजी, वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात की जय, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नाम आचार्य शिलहरी दास ठाकुर की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शति गौर वृंद की जय, जय वृंदावन धाम, ओके गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय, जय
भगवत गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा हो तो डेफिनेटली पूछिए। यस, हरे कृष्ण, डरिए मत, संकोच मत कीजिए, पूछिए। यस, हरे कृष्णा, पूछिए पूछिए, कुछ नहीं पूछना किसी को, पक्का। यस, बोलिए बोलिए। बोलिए, आपको क्या नहीं समझ में आया, पूछिए। अच्छा, पता नहीं क्यों आज लगता है, ये देख लें। चलिए, कुछ नहीं पूछना किसी को, डेफिनेटली चिंता मत कीजिए। 10:30 तक तो टाइम कृष्णा का है, मेरा नहीं, श्रीला प्रभुपाद, ठीक है। यस, नहीं पूछना ना, रिकॉर्डिंग जो भी कर रहे हैं प्लीज स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। राघव प्रभु जी, कुछ पूछना है? अच्छा, मुस्कान माता जी, प्रभु जी कृष्णा जी बहुत सुंदर थे, जो भी उनको देखता तो बस कृष्णा जी के अलावा उसे कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती। नहीं, इतने सुंदर नहीं थे। इतने सुंदर नहीं थे। हरे कृष्णा, यस, मैं दिखाता हूँ। ओके, नहीं, और कुछ दिखा रहा था। ओके, दिखाता हूँ। यस, कोई और की किसी की जिज्ञासा है, कोई चैट में लिखा हुआ तो अनम्यूट करके बता दीजिए। हरे कृष्णा, किसी की है तो अनम्यूट करके बता दीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरी एक जिज्ञासा थी गुरुजी, श्रद्धा और निष्ठा में आप डिफरेंस एक्सप्लेन कर देंगे फिर से प्लीज।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रद्धा किसी व्यक्ति के होती, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा में। जी गुरु जी। ओके, श्रद्धा किसी व्यक्ति पे होती है या शास्त्र पे होती है? ओके, और श्रद्धा कैसी होती है? मैं एक्चुअली मैं मुस्कान मेहता जी, मैं आपको कोट निकाल के देने वाला था, बट कोट मिला नहीं। मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ढूंढने दीजिए। और नहीं ढूंढते हैं तो फिर मैं मुंह से बोल दूंगा और आप स्वीकार कर लीजिए और फिर दिखा दूंगा मैं बाद में। तो पहले ये श्रद्धा और निष्ठा। देखिए, श्रद्धा किसी व्यक्ति पे होती है कि वो हितैषी है, ठीक है। जैसे जब आप शुरू शुरू में क्लासेस ज्वाइन की होंगी तो आपको ये लगा होगा, देखिए ये इतने अच्छे दिख रहे हैं, या इनकी वाणी इतनी अच्छी लग रही है, या ये सेल्फलेसली कर रहे हैं, या इसमें उनका कोई हित नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, ठीक है। वो शास्त्रों को बार बार निकाल करके बता दे, कुछ ना कुछ लगा होगा, ठीक है। और फिर लगा होगा चलो इनकी बात सुनी जा सकती है ना, ये सब देख करके क्या लगा होगा, हाँ ठीक है इनकी बात सुनते हैं। अभी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, पूर्ण रूप से ये नहीं है कि सही ही बोल रहे होंगे, परंतु हाँ ठीक ही बोल रहे होंगे, है ना, ठीक ही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। क्यों गलत बोलेंगे? तो आपको श्रद्धा है कि गलत नहीं बोल, परंतु निष्ठा हो गया, निष्ठा हो गया, अब तो वो अटूट है। जब गुरु के प्रति कोई समर्पित हो जाता है तो निष्ठा होता है, अब वो अटूट है, अब होने दो जो होगा। ये गुरु और शिष्य का संबंध नहीं टूट रहा, और एक्चुअली में हमारा ये निष्ठा है ना कृष्णा के प्रेम से हो जाना चाहिए। हमारा और कृष्णा का प्रेम में ही संबंध अब नहीं टूट रहा, अब फिर नो मोर वरीज। अगर ये हो गया तो सारा सारा परेशान होना, सारा दुखी होना सब खत्म, ठीक है। तो श्रद्धा प्रथम स्तर है कि ये जैसे बहुत लोगों की श्रद्धा बस कपड़ा देख करके होती है ना, शुरुआती स्तर है। अब किसी की श्रद्धा आ जाए कपड़ा देख करके तो ठीक है, कपड़ा देख लीजिए। किसी की श्रद्धा आ जाए बाल देख करके तो ठीक है, बाल देख लीजिए, है ना। बहुत कुछ देख करके श्रद्धा आती है, वाणी देख करके श्रद्धा आ जाए वाणी देख लीजिए, परंतु इसका ठीक उल्टा भी होता है। लच्छेदार भाषा या फिर एक प्रोफेशनल रिसाइटर है ना, तो उसको देख करके श्रद्धा आ जाती है, तो वो गड़बड़ है ना। किसी की लच्छेदार भाषा को देख करके श्रद्धा आ जाए, या किसी की भौतिक सुंदरता को देख करके। आजकल है ना बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, मेकअप करके बैठेंगे है ना, वो मेकअप देख करके श्रद्धा आ रहा है, अरे कितना अच्छा दिख रहा है ये, आभा देखो आभा, अंदर से आभा निकल रही है, अरे वो मेकअप है, अंदर से नहीं है बाहर से मेकअप लगाया गया है, पोता गया है, अरे अंदर नहीं है बाहर का देख करके मूर्ख बन रहा है, वो आभा नहीं है, आभा नहीं है, अरे क्या कर दिया। लोग ऐसा देख देख करके मूर्ख बन रहे हैं, बाहर से एक सुंदर चेहरा बना दिया, एक अच्छा सा बाल हेयर स्टाइल कर लिया है, एक अच्छा सा मुकुट पहन लिया या अच्छा सा कपड़ा पहन लिया, सिंहासन पे बैठ गए है, व्यासासन पे नहीं बैठते वो सिंहासन पे बैठ बैठ गए, और अब देखिए कितना अच्छा आभार है, है? मीठा मीठा चेहरा, और पीछे से अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लग गया ना, वाओ क्या आभा है, हैं? और आजकल तो बहुत सारे देखते हैं बड़े बड़े लोग, हम क्या नाम लें, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, पीछे म्यूजिशियन को बैठा देते हैं, अब देखिए अब आभा निकलती है, अब जोर की आभा निकलती है ना। हम म्यूजिशियन बैठा दिया, अब जैसे ही बोलते हैं नरसिंह देव कहे, और वहां से बादलों का भी आवाज निकलने लगे, बाबा बाबा बाबा, आभा देखिए
कितना भयंकर आभा, एकदम मतलब इनग्रॉस हो जाए कोई, वाओ, है ना। तो ये है आजकल इस प्रकार से आभाएं निकल रही है ना, इन तरह की आभाओं को छोड़ दें, परंतु श्रद्धा गुरु के शब्दों पे होता है, श्रद्धा शास्त्रों पे होता है। जैसे आज भी आप किसी के पास जाएंगे ना, बोलेंगे भगवत गीता से, भगवत गीता में कृष्णा बोले हैं, तो उनकी श्रद्धा है। एक्चुअली मालूम है क्या, आज भी इंडिया के लोग इतने श्रद्धालु हैं कि बहुत कम लोग है ना डायरेक्टली रिफ्यूट करेंगे भगवत गीता में बोला है, अरे ऐसे ही बोला हुआ। आजकल के जो नए नए लोग है ना, है जिनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, वो लोग भले करेंगे, जिनको किसी ने कुछ बताया नहीं। पुराने लोग को बोल दीजिए कृष्णा ने भगवत गीता में बोला, आज भी श्रद्धा है ना, जबकि इतना माया का प्रसार है फिर भी श्रद्धा है, ठीक है। तो ये श्रद्धा होती है, परंतु निष्ठा तब होती है भगवत गीता की कही गई एक एक बात हमारे जीवन में एप्लीकेबल है, और जो भी लिखा हुआ मैं स्वीकारने का पूर्ण प्रयास करूंगा, ये होती है निष्ठा, ये होती है निष्ठा, है ना। श्रद्धा तब होती है जब गुरु कोई लगता है बोल तो अच्छा रहे, सुनने में तो मीठा मीठा लग रहा है ना, वो क्या है, श्रद्धा है, बोल तो अच्छा रहे। निष्ठा कब होता है, गुरु की कही हर बात स्वीकार्य है, ये निष्ठा। आई होप ये एकदम क्लियर डिफरेंस पता चल रहा है ना, श्रद्धा और निष्ठा, ठीक है। यस, ओके। हाँ, गुरुजी कहा जाता है कि हम एक पल में कृष्णा के हो सकते हैं, कौन कहता है, कौन कहता है एक पल में हम कृष्णा के हो सकते हैं, कौन कहता है, कहा जाता है, हम तो ऐसी वाणी सुनते ही नहीं है, कहा जाता है तो कहने दीजिए, हैं, लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, हम ऐसी वाणी नहीं सुनते, लोग तो कुछ भी कहते हैं। अब कोई कहेगा, कोई कहेगा प्रज्ञा माता जी है ना दिन में 23 घंटा हंसती है, अब कोई कहेगा तो हम थोड़ी ना सुन लेंगे कि प्रज्ञा माता जी दिन में 23 घंटा हंसती होंगी, अरे कोई बोल रहा है बोलने दीजिए, हैं, समझ रही है, हम नहीं, हम नहीं, कोई और कोई बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, प्रज्ञा माता जी दिन में 23 घंटा हंसती है, तो कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए। परंतु ठीक है, आपकी जिज्ञासा को मैं सही कर देता हूँ। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम पल भर में शुद्ध हो सकते हैं, वो कब होता है, वो तब होता है जब हम कृष्णा से प्रेममयी संबंध पुनर्स्थापित कर लें। जिस पल हम कृष्णा से प्रेममयी संबंध पुनर्स्थापित कर लेंगे उस पल हम शुद्ध हो जाएंगे। जी प्रभु जी, मैंने क्लास में कभी सुना था तो वही मैं सोची थी। नहीं, आपने कहा था, हाँ मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था कि क्या सेंटेंस था, लेकिन मेरे को याद आ रहा था, मैंने सुना था भागवतम की क्लास में ही सुना था कि ऐसे कि हम पल भर में कृष्णा के हो सकते हैं, अपना सब कुछ त्याग, कृष्णा के हो सकते हैं ऐसा नहीं बोला था, त्याग, अगर हमने सब कुछ त्याग दिया, नहीं हमको त्यागना नहीं है, हमको त्यागना नहीं है, हमको त्यागना नहीं है, हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना है। आपके पास धन है, आपके पास धन है, बल है, श्रम है, सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दीजिए। अगर 100% सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दिया, देखिए अभी ट्राई मत कीजिएगा, प्रिटेंडर बन जाइएगा, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, शनै शनै भगवद गीता में लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, परंतु जिस पल आपने सर्वस्व भगवान के लगा दिया उस पल आप शुद्ध हो जाएंगे, उस पल आप शुद्ध हो जाएंगे, उस पल आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लेंगे। और जब कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लिए, अब शरीर त्यागने का जरूरत ही नहीं है, शरीर त्यागने का जरूरत नहीं है, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत इस पल कर लिया ना, तो इस पल आप परम शुद्ध हो चुके,
अब चाहे आप इस लोक रहें या उस लोक रहें या कोई भी लोक रहें, आप कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं, कृष्णा का नाम प्रचार करेंगे, कृष्णा का प्रेम अनुभव करेंगे, बस कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पे, आप कोई भी लोक रह सकते। अगर कोई एक भक्त को नर्क लोक भेज दिया जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां पर भी कृष्णा का प्रेम ही अनुभव करेगा। भक्त बस यही चाहता है कि मैं आपको ना भूलूं, बस और कुछ नहीं चाहता, मैं आपको ना भूलूं। आपकी माया है ना, जैसे योग माया महामाया है, तो ठीक है, हो सकता है हमने कोई पाप कर्म किया हो तो महामाया लग जाए, और आप चाहते हो कोई एक खेल खेलना, हो सकता है योग माया लग जाए, परंतु ये जो भी माया लगनी है लग जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आपको ना भूल जाए, बस इतना कृपा कर दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको आप भूलने मत दीजिएगा, है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, बहुत बार गलती कर चुके हैं, भूल करके इस लोक में भी आ गए, इस बार नहीं, इस बार नहीं। ओके, यस, हाँ ठीक है। मुस्कान माता जी पूछ रही थी, ओके, वेदिका माता जी कुछ बोल रही है, मैं सुनता हूँ आपके, एक कमेंट में पढ़ा था परंतु ठीक, मैं सुनता हूँ। प्रभु जी कृष्णा बहुत सुंदर, नहीं देखिए क्या होता है, कृष्णा शत्रुओं को सुंदर नहीं लगते, कृष्णा जब युद्ध लड़ रहे थे तो दुर्योधन को सुंदर लग रहे थे, धृतराष्ट्र को सुंदर, अब धृतराष्ट्र नहीं देख पा रहे थे परंतु वो विदुर की, विदुर नाम था ना, विदुर की आंखों से देख रहे थे तो सुंदर लग रहे थे, कोई भी शत्रु को सुंदर लगेंगे क्या? कृष्णा डेथ बन के आएंगे, मृत्यु बन के आएंगे, अक्रूर मृत्यु बन के आएंगे, सुंदर लगेंगे क्या? रावण को सुंदर लग रहे थे, राम जी अभी विजयदशमी कल परसों, परसों गया ना, परसों तरसों गया ना, राम जी के सुंदर लग रहे थे क्या? रावण को बहुत सुंदर लग रहा, आहा प्रेम नहीं, मृत्यु बन के काल बन के आए थे, सुंदर नहीं लग रहा था, है ना। प्लीज समझिए, कृष्णा सुंदर हैं परंतु सबको ही को सुंदर दिखेंगे नहीं, कृष्णा उसी को सुंदर दिखेंगे जो कृष्णा से प्रेममय संबंध पुनर्स्थापित कर लियो, सबके लिए सुंदर नहीं है। अब मायावादी को जाकर के बोलिए, वो कृष्णा को देखना चाहते हैं, जो धन 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 करते हैं वो कृष्णा को देखना चाहते हैं, आप उन लोगों से जाकर के बोलिए जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ और मिशनरी लोग वाले हैं उनके पास जाकर के बोलिए कृष्णा प्रेम करते हैं, वो क्या आपसे सुनना चाहते हैं कि कृष्णा प्रेम करते हैं, वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, कोई शुद्ध भक्त जाएगा तो हो सकता है हृदय परिवर्तित हो जाए, बहुत सारी बातें बहुत सारे स्तर पे जाकर के उसे समझाए तो हो सकता है कुछ और बात हो जाए, परंतु इनिशियल तौर पे क्या सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कृष्णा प्रेम करते हैं, है? तो अगर जब यही स्थिति है तो काम कीजिए, सभी को कृष्णा का भक्त बना दीजिए, बड़ा सरल है। फिर जब आप सोचती हैं सबको कृष्णा से प्रेम करते हैं, कृष्णा प्रेम करते ही है, इसमें तो डाउट नहीं है, ये तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। अगर लोग भी कृष्णा से प्रेम करते हैं तो लाइए सभी को, ले आइए, आ जाएगा सबको कृष्णा का भक्त बन जाएगा, सबको भगवत धाम चला जाएगा, बड़ा आसान है। फिर तो आपने रास्ता बहुत सरल कर दिया, कोई कृष्णा से प्रेम नहीं करता अभी तो वही जाना, क्या जाना, क्या जाना कि प्रेम लास्ट में आता है, कहां से प्रेम करेगा? अभी आपने वही सोच लिया कि प्रेम करते हैं, कहां से प्रेम करते हैं जी, कहां से प्रेम करते हैं? क्लास में यही जाना, ये प्रेम नहीं होता, प्रेम नहीं होता, कोई प्रेम नहीं करता। कृष्णा सुंदर तो हैं परंतु लोग प्रेम नहीं करते, कृष्णा तो प्रेम करते हैं परंतु लोग नहीं करते, यही असलियत, यही असलियत। ओके, वेदिका माता जी, आज मेरे साथ दो बार हुआ ऐसा कि मेरे मन में बात आई और गुरुजी आपने उसका आंसर दे दिया। तो एक्चुअली में होता है ये, हर बार होता है, आपको दो बार अनुभव हुआ है, गलत हुआ है,
कम हुआ भी, एक्चुअली में ये हर बार होता है, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बात बोल रहा हूं, और ये सबको ही अनुभव करते हैं। आपकी जिज्ञासा आपके करने से पहले ही उत्तर कर दी जाती। प्रभु जी मेरे साथ तो शुरू से बहुत बार हुआ है। हाँ, अश्लीषा माता जी भी हैंड रेज थम सब कर रही हैं, आपके साथ भी हुआ है, बाकी लोगों के साथ भी हुआ। आपकी जिज्ञासा जो नहीं होगी ना, और मालूम है क्या, ऐसी ऐसी बातें जो क्लास में डिस्कस होती है, इतनी इतनी लंबे देर बाद में डिस्कस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ये सब आपकी जिज्ञासाएं हैं, आप पूछ नहीं रहे, आप लोगों को पूछना चाहिए, आप पूछ नहीं रहे, तो ये आदमी की जिज्ञासा है, ये मेरी जिज्ञासा नहीं है, ये मेरी जिज्ञासा नहीं है, ये मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये मेरी जिज्ञासा नहीं है, ये आप ही की जिज्ञासा है, आप लोग पूछते नहीं है, है ना? ये है तो पूछा कीजिए, परंतु नहीं भी पूछेगा तो कृष्णा कृपा करते हैं, शिला प्रपात कृपा करते हैं, आप तक तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, क्लास के स्टार्ट में जो आप अच्छी और बुरी गलती बता रहे थे, कुछ देर पहले ही मेरे मन में आई थी जिज्ञासा के रूप में। हाँ, प्रज्ञा माता जी भी बोल रही है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था आज, ओके, मेनी टाइम्स, पहले भी हुआ है, बहुत बार, यस गुरु जी मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, तो ये हर बार ही होता है, हम लोग बहुत बार अनुभव करते हैं, बहुत बार अनुभव करते हैं, परंतु हर बार एक्चुअली में गुरु होता ही यही है कि हमको हर कष्ट से बचा लेता है। हम लोग अनुभव नहीं करते, हम लोग गुरु के लिए दो काम गुरु बोल देता है ना, तो हमको रोना धोना पड़ जाता है, हम सोचते हैं कितना बड़ा बात बोल दिया। मालूम है क्या, हमारा हर पल भी अगर गुरु की सेवा में लगा देंगे ना, और ऐसा जन्म जन्मांतर करते रहेंगे, तो भी गुरु द्वारा किए गए एक पल की कृपा को हम रीपे नहीं कर पाएंगे, हम उससे चुकती नहीं कर पाएंगे, एक पल जो गुरु ने कृपा की, क्योंकि वो कृष्णा के निकट लिंग है। अगर सपोज करें गुरु कृपा नहीं करते, 84 लाख योनियां घूमते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, किसके कारण शुद्ध हो रहे हैं? तो आप कितने ही जन्म जन्मांतर सेवा करते रहिए, आप क्या गुरु के कृपा को उन्मुक्त हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ठीक है, स्वीकार कर लीजिए। और इसीलिए बोलते हैं आज्ञा अनुसार चल लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 3 साल के बच्चे रहिए, सब कुछ आंसर होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। और आपके साथ एक असंभव बात हुई ना, मैं आप सभी को बताता हूं, ये सभी के साथ होता है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, है ना? प्रज्ञा माता जी के साथ 2 दिन पहले हुआ, प्रज्ञा माता जी के साथ 2 दिन पहले हुआ। अगर हम चाहते हैं कि क्लास ज्वाइन करना, तो भगवान ऐसी स्थिति बना देते हैं कि आप ज्वाइन कर लें, और मैंने ठीक उल्टा भी देखा है, और मुझे बड़ा दर्द है। जो लोग चाहते हैं भटकना, कृष्णा ऐसी स्थिति बनाते हैं कि भटक जाते हैं। मैंने उल्टा देखा, आप लोगों ने उल्टा बहुत कम देखा होगा, कभी कभी अपने में देखा होगा, जब आप चाहते हैं ना कि क्लास नहीं ज्वाइन करें, जब आप चाहते हैं ना इनकी बातों का इतना आदर करने का आवश्यकता नहीं, जब आप ये सोचते हैं ना, अपने आप ऐसा हो जाता है कि आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते, है ना? जब भी आप सोचते हैं कि नहीं हमको क्लास तो ज्वाइन करने का मन है, कृष्ण हर बार ऐसी स्थिति बनाते, हर बार ऐसी स्थिति बनाते, और ना सिर्फ आपके साथ, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी। आज कुछ कार्य में लगा हुआ था, आज मैं कुछ कार्य में लगा हुआ था, 8:40 पे आश्लीषा माता जी को मैसेज किया था कि अगर मैं लेट हो जाता हूँ कृपया करके आप स्टार्ट कीजिएगा गीत गोविंद और पूर्वाष्टक। मालूम है क्या, 8:49 तक मैं जिस कार्य में लगा हुआ था वहीं पे था, 8:50 पे फ्री हो गया था। तो मंदा माता जी ने स्टार्ट किया था ना, मुस्कान माता जी ने स्टार्ट किया था ना, 8:50 पे मेरा चेहरा दिखाई दे दिया था, क्योंकि मैं चाह रहा था। और अगर सच में मेरे अंदर से अगर ये चाहत आ जाती ना, अरे ठीक है कोई बात नहीं, आश्लीषा माता जी कर लेंगी, कोई बात नहीं, रहने दो, तो भगवान ऐसी स्थिति बनाते 8:55, 8:56, 8:57 तक फ्री होता। और अगर किसी दिन मेरी ऐसी इच्छा हो जाए, हैं,
किसी दिन मेरी ऐसी इच्छा हो जाए, ये छोड़ो ना यार, क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, इतना क्या सोचते हैं, हैं? कृष्णा सबका अच्छा ही करेंगे, इतना क्या सोचना है। मालूम है क्या, उस दिन 9 बजे भी फ्री नहीं होंगे, उस दिन 9 बजे भी फ्री नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्थिति है, और ये हर बार होता है, हर बार होता है। यस, आज भी ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जल्दी लीव करना पड़ेगा, पर ऐसा अवसर बना कि पूरी क्लास अटेंड करने का करने करी बिना किसी नेटवर्क इशू के। क्यों? क्योंकि आप चाहती थी एग्जैक्टली 8:50। यस गुरुजी, मुझे तो टाइम भी एक्सपैंड कर देते हैं कृष्णा, मुझे तो सबके लिए समाज समय मिल जाता है, हमेशा ही मिलता है। मेरे साथ रिसेंट में हुआ कि मेरे 2 प्रोग्राम कैंसिल हो गए अपने आप, क्योंकि आप चाहती थी, आप चाहती थी कि क्लास ज्वाइन करें, आप चाहती थी कि सेवा करें, तो भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी कि आप सेवा करें। जब आप ये नहीं चाहिएगा तो सेवा नहीं सेवा की स्थिति नहीं बनाएंगे। यही तो बात है ना, हमको सेवा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, फिर गलती स्वीकार नहीं, अच्छा करना चाहिए था या खराब किया, और अच्छे से करने का कोशिश करेंगे। अब क्या कीजिए, अब उस सेवा को और अच्छा कर दीजिए, अब उस सेवा से और ऊंची सेवा करने लग जाइए, और ऊंची सेवा पे जाकर के गलती कीजिए, फिर और ऊंची सेवा कीजिए, फिर ऊंची सेवा पे जाकर के गलती कीजिए, है ना, फिर और अच्छा प्रयास कीजिए, फिर और ऊंची सेवा कीजिए। हाईएस्ट में क्या, प्रेममयी सेवा करेंगे, और शुद्धता से नहीं कर पाएंगे, फिर हम कृष्णा के प्रति समर्पित होंगे, कृष्णा देखेंगे प्रेममयी सेवा कर रहा और शुद्धता से करने का प्रयास कर रहा है, कृष्णा स्वीकार लेंगे। यही है, यही है, यही है जीवन, यही है भक्ति, यही है शुद्धता, यही है। हरे कृष्णा, तो असंभव 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 हर बार होता है ना, असंभव कौन कराता है, असंभव को संभव कौन कराता है, राधा रानी महारानी की जय, कृष्णा की जय, जय जय कृपा की जय, जय जय जय। धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में डूबे रहिए। हरे कृष्ण, गुरु जी की जय।